Hello everyone, I am Rahul. Welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So today's video is about the HRM important questions module wise. So this lesson will be very helpful for you, and you can easily study the question module wise for all the modules. Let's start. Hello everyone, so today's lesson we will be having some kind of question bank on human resource management. जैसे मैंने आपको बताया था, आपको हर सब्जेक्ट के बारे में अभी कुछ क्वेश्चन बैंक मिलने वाले हैं. मैंने ऑलरेडी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इनडायरेक्ट टैक्सेस, GST के आपको क्वेश्चंस दे दिए हैं. सो यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग दोज क्वेश्चंस सो दैट एग्जाम में जो जो थियोरी क्वेश्चंस आएंगे वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो जाएंगे. सो अभी आज हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में, HRM, जो हर कॉलेज में कंपलसरी सब्जेक्ट है. इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चंस आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ. सो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना. सो मैंने कुछ मॉड्यूल वाइज क्वेश्चंस बनाए हैं. आपको थोड़े क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा मिलेंगे, बट इसी में से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू स्टडी दोज क्वेश्चंस. तो हम मॉड्यूल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. मॉड्यूल नंबर 1 पे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स आने वाला है, दैट इज डिफाइंड HRM. अभी वो फंक्शंस ऑफ HRM पूछेंगे या इंपॉर्टेंस ऑफ HRM पूछ सकते हैं. वी ऑल्सो हैव वन मोर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज ट्रेडिशनल एंड स्ट्रैटेजिक HRM. तो ट्रेडिशनल और स्ट्रैटेजिक HRM के बारे में भी आपको पढ़ना है. The next is very important, and that is job analysis and its components. So job description, job specification, वो सारे आपको points इसमें cover up करने हैं. वो objectives के लिए भी important हो सकते हैं. The next question is job design. तो job design के बारे में भी आपको पढ़ना है, जिसके जो components है, job rotation, job enrichment, job enlargement, वो सारे points आपको यहाँ पे पढ़ने हैं. एक क्वेश्चन रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन के ऊपर आ सकता है. तो जो मैंने लास्ट में लिखा है, सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेस है, एंड स्टेप्स इन सिलेक्शन प्रोसीजर्स, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सो यू कैन गेट वन क्वेश्चन ऑन रिक्रूटमेंट ओवर हियर. एक जॉब एनालिसिस पे पूछा जा सकता है, एक HRM पे पूछा जा सकता है. तो ओवरऑल इतने क्वेश्चंस में से आपके क्वेश्चंस पेपर में आपको क्वेश्चंस देखने मिलेंगे. नेक्स्ट इज मॉड्यूल नंबर 2. मॉड्यूल नंबर 2 में आपको फंक्शंस ऑफ HRD याद रखना है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, देन मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग है, ऑन द जॉब मेथड एंड ऑफ द जॉब मेथड्स को प्रॉपरली पढ़े. फिर एक परफॉर्मेंस अप्रेजल पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बेनिफिट्स या इंपॉर्टेंस या फिर लिमिटेशंस. ज़्यादा करके लिमिटेशंस बहुत सारे पेपर में पहले पूछा गया है, इसलिए लिमिटेशंस ओवरऑल इंपॉर्टेंट बन जाएगा. सो बेनिफिट्स भी पढ़े एज वेल एज लिमिटेशन भी पढ़े. मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, देर आर टू मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, वन इज ट्रेडिशनल मेथड एंड अनदर इज मॉडर्न मेथड. तो ट्रेडिशनल काफ़ी ज़्यादा मेथड्स है, उसमें बहुत सारे मेथड्स है, तो आपको मॉडर्न मेथड्स पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है. मॉडर्न मेथड्स पे इंडिविजुअल शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है, जैसे 360 डिग्री अप्रेजल एंड अदर मॉडर्न मेथड्स ऑल्सो वी आर हैविंग. MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, असेसमेंट सेंटर्स है, बार्स है, बिहेवियरली एंकर रेटिंग स्किल्स, ऐसे आपको मॉडर्न मेथड्स प्रॉपरली याद होने चाहिए. देन इंपॉर्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल जो मैंने आपको अभी बताया है. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द नीड ऑफ सक्सेशन प्लानिंग. व्हाट इज द नीड ऑफ सक्सेशन प्लानिंग वी हैव टू स्टडी. व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ काउंसिलिंग एंड राइट अ नोट ऑन करियर प्लानिंग. तो ये भी आपको पढ़ने हैं, इसमें से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है. मॉड्यूल नंबर 3 जो है आपका, ह्यूमन रिलेशंस, लीडरशिप, मोटिवेशन, स्पिरिचुअल क्वेश्चंट, इमोशनल क्वेश्चंट, उसके ऊपर क्वेश्चन है. तो एक एक क्वेश्चन, या फिर एम्प्लॉय ग्रीवियंस हो, वेलफेयर मेशर्स हो, उसमें से भी क्वेश्चंस आ सकता है. तो उसी के बेसिस पे मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं जो आपको पढ़ने हैं. एक्सप्लेन द एम्प्लॉय वेलफेयर मेशर्स वी हैव टू स्टडी. एक्सप्लेन द ट्रांजैक्शनल थियरी ऑफ लीडरशिप. तो लीडरशिप के 2-3 थियोरीज है जो आपको पढ़ने हैं, उसमें से ट्रांजैक्शनल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी के भी एक बार जस्ट ओवरव्यू लेके रखना. What are the factors affecting spiritual quotient you have to study. Explain the various theories of motivation. तो different theories of motivation है, काफ़ी easy है. अगर आप one time भी पढ़ लोगे, Maslow's need hierarchy theory है, theory X, theory Y, वो सब था, सारे theories इसमें cover होते हैं. सो अगर आपने प्रॉपरली थियरीज पढ़ ली है ओनली वन टाइम ऑल्सो, देन ऑल्सो यू कैन आंसर द क्वेश्चन, और वो थियरीज का जो बेसिक्स है वो आपके ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी यूज हो सकता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैक्टर्स अफेक्टिंग एम्प्लॉय मॉरल. तो
वी हैव टू राइट ओवर हियर व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग एम्प्लॉय मॉरल. तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. नाउ हियर कम्स दी मॉड्यूल नंबर फोर. थोड़ा सा इनोवेटिव फैक्टर्स इसमें मॉड्यूल नंबर फोर में है कि ह्यूमन रिसोर्स चेंजिंग एनवायरमेंट में क्या रोल प्ले करेगा, व्हाट आर द डिफरेंट ट्रेंड्स इन द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, व्हाट आर द चैलेंजेस इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वी हैव टू स्टडी. तो पहला क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन क्रिएटिव इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर इज एक्सप्लेन द नीड फॉर डेवलपमेंट ऑफ इनोवेशन कल्चर, रोल ऑफ मैनेजर्स इन डेवलपिंग इनोवेटिव कल्चर. एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है HRIS दैट इज ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन है चैलेंजेस फेस नॉर्मल इंपॉर्टेंस क्रिएटिव क्रिएटिंग एनी काइंड ऑफ इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन इनोवेटिव कल्चर. मतलब ये रिसेंट ट्रेंड्स इन द मैनेजमेंट के फैक्टर्स कवर होते हैं. तो चैलेंजेस फेस बाय द HR मैनेजर विद रेस्पेक्ट टू एम्प्लॉय एम्पावरमेंट. देन चैलेंजेस फेस बाय HR मैनेजर्स विद रेस्पेक्ट टू एट्रीशन. फिर आपको एक डाउनसाइजिंग का ओवरव्यू लेना है, डाउनसाइजिंग का मीनिंग पढ़ना है, वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में पढ़ना है, मिलेनियल कॉम्पिटेंसी मैपिंग के बारे में पढ़ना है. तो ओवरऑल इसमें से भी एक हद क्वेश्चन पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं. सो हियर दिस वॉज द क्वेश्चन बैंक विच आई हैव प्रोवाइडेड टू यू रिगार्डिंग द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. बिकॉज रिसेंटली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट TY में एक अपडेटेड सिलेबस है, तो यू आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन विच यू कैन रेफर. सो ओवरऑल ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे. सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि उनको भी हेल्प हो जाए ये लेसन, ये जो मैंने वीडियो बनाया उसके सारे क्वेश्चन से, और उनका HR का ह्यूमन रिसोर्स का पेपर काफ़ी अच्छा जाए. बाय बाय, टिल देन वर्क हार्डर बी स्मार्टर.